नमस्कार, मैं मीनू MS देवी दिशा में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके लिए स्वीट कॉर्न यानी भुट्टे के दानों के विषय में कुछ जानकारी लेके आई हूँ, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए कितने लाभदायक हैं, ये मैं आपको आपसे बात शेयर करूंगी। सबसे पहले मैं बता रही हूँ कि भुट्टे जो है, ये पीले रंग के स्वीट कॉर्न जो है वो आसानी से मिल जाते हैं, और इसका उपयोग जो है आटे के रूप में और कई रूपों में किया जाता है, क्योंकि मक्के का आटा तो बहुत ज्यादा फेमस है। मक्के के आटा और सरसों का साग, मक्के का आटे की रोटी और सरसों का साग तो आप भी जानते हो, बहुत फेमस है। और इसको जो है कॉर्न फ्लोर के नाम से जो है आता है पैकेट, तो ये आप जानते हैं, वो सूप में इस्तेमाल किया जाता है। और ये स्वीट कॉर्न है, इनको हम जो है चाट के रूप में खा सकते हैं, ऐसे बॉईल करके खा सकते हैं। और जो है स्वीट कॉर्न जो है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी होता है। हमारे व्यंजनों को, हमारे खानों को ये शामिल होकर बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना देता है। तो अब मैं आपसे थोड़ी सी चर्चा करूँगी कि ये हमको क्यों खाना चाहिए। तो क्योंकि इसमें विटामिन ए, बी और ई भरपूर मात्रा में पाया जाता है, इसमें खनिज लवण भी पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है, इसमें मौजूद फाइबर्स पाचन क्रिया को मजबूत बनाने में सहायक होता है। इसमें फाइबर जो होता है बहुत ज़्यादा स्टमक को क्लीन करने में हमारी मदद करता है, मोशंस क्लियर करता है। और दूसरा, इसमें फाइटोकेमिकल्स आदि कई तरह की बीमारियों से सुरक्षित हम लोगों को रखता है, और ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखता है। इसमें मौजूद स्टार्च और फाइबर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने में मदद करते हैं, कैंसर से बचाव और ढलती उम्र के लक्षणों को ये रोकता है, और ये पाचन क्रिया को तंदुरुस्त रखने में सहायक है। इसमें कब्ज, गैस जैसी समस्याएं होने का जो है होने से ये काफी रोकता है। तो मैं आपसे बता रही थी, इसमें जो भी गैस की परेशानी है, जो भी है इसका खतरा होने वाला होता है, तो इससे इसका ये में सेवन करने से इससे बचा जा सकता है। आंखों की रोशनी को बेहतर बनाने के लिए बहुत ज्यादा बढ़िया ये खाद्य पदार्थ है। और स्वीट कॉर्न में एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, और कैरोटीनॉइड्स की वजह से आंखों से जुड़ी कई बीमारियों में जो भी खतरा है आंखों से रिलेटेड, वो जो है चाहे सूखापन है या जो, ये सब कुछ काफी कुछ मात्रा में ठीक होने लगता है। और खासकर बरसात में भुट्टा खाने का मजा तो मैंने बताया था, बहुत ही आता है। और हर चौराहों पर या कहीं भी अपने घर पे देखिए, भुट्टे भूनने की खुशबू और बरसात का मौसम कितना बढ़िया लगता है सुहावना, उसमें नींबू लगा के, काला नमक और मसाले वाला नमक लगा के कितना स्वादिष्ट लगता है। तो लोग जो है बरसात में खास आनंद लेते हैं, लेकिन बरसात के साथ में आजकल सभी मौसम में ये उपलब्ध होता है, जिसमें कि स्वीट कॉर्न तो आप हर मौसम में देखेंगे कि ये उपलब्ध रहता है। तो ये जो है, इससे दांत और जबड़े भी इसको खाने से मजबूत होते हैं। इसमें फोलिक एसिड पाया जाता है, जो कि गर्भवती स्त्रियों के लिए बेहतर होता है, और बच्चों को जो कि कई रोगों से बचाता है। और भुट्टा जो है दिल की बीमारियों में भी फायदेमंद है। तो इसमें विटामिन क्योंकि सी पाया जाता है, और मक्का खाने से जो है कोलेस्ट्रॉल लेवल को बढ़ने से बचाया जा सकता है। मक्के के जो दाने हैं वो बहुत सारे जो है, बहुत अगर आप जो है खाते हैं तो इसको एक स्क्रबर का काम करता है, जो हमारे स्टमक को क्लीन करता है। और मैग्नीशियम, आयरन, फास्फोरस पाया जाता है इसमें, और इससे हड्डियों को मजबूती मिलती है। आयरन की कमी से एनीमिया रोग होता है, लेकिन भुट्टा खाने से यह बीमारी भी दूर हो जाती है, और गुर्दे अच्छा कार्य करते हैं इसका सेवन करने से। और इसमें रेशा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, जिससे पेट का डाइजेस्टन सिस्टम जो है वो ठीक रहता है। और पकौड़ी, सूप, कॉर्नफ्लोर कई स्वादिष्ट व्यंजनों में डाला जाता है, जैसे पकौड़े, सूप आदि। इसके आटे के लड्डू भी बनते हैं, पॉपकॉर्न बनाया जाता है। तो पॉपकॉर्न जो सुखाकर, मक्के के दानों को सुखाकर पॉपकॉर्न जो बनाया जाता है, उसके भी लड्डू बनते हैं, जो कि अक्सर जो है संकट आने में, गणेश चतुर्थी आती है
तो उस दिन जो गणेश चौथ आता है ये सकट, तो उस दिन जो है ये इस चीज का लड्डू बनते हैं गुड़ में, तो ये बहुत ही ज्यादा ताकतवर है। तो आप जो है कम से कम इसको वीकली यानी कम से कम हफ्ते में 2 से 4 बार तो आपको लेना ही चाहिए। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए प्लीज। और जिस अगर शेयर करेंगे तो जिसको इसके विषय में जानकारी नहीं है तो उसको भी होगी और वो भी अपना स्वास्थ्य बनाने में सहायक होगा। तो इतनी ज्यादा मैंने आपका समय लिया उसके लिए सॉरी, और आपने इतना प्यार से मेरा वीडियो देखा उसके लिए बहुत सारी थैंक यू। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। बाय, गुड डे।